बाज गुड इवनिंग एंड वेलकम टू क्विज टाइम। मैं हूं रवि बजाज और आज हम चेक करेंगे आपकी नॉलेज। आई एम गोइंग टू आस्क यू 10 ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस होंगे ग्रामर के, कुछ क्वेश्चंस होंगे वोकैबुलरी के, हाँ फ्रेजल वर्ब और इडियम्स भी पूछेंगे हम आपसे। जैसे ही आपका 10 नंबर का क्विज ओवर होगा, मैं चाहूंगा, ये मेरी सजेशन है आपसे, कि नीचे कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखें ताकि हम पता लगा सके कि आप आज कहां स्टैंड कर रहे हैं। सो गेट रेडी गाइस, get ready and now the first question is before you. My views are quite different from dash. These are the four options and your time starts now. And the correct answer is yours, A. जो बी में योर्स लिखा है वो तो ग्रामेटिकली रॉन्ग है। सो अगर आप सी कह रहे हैं तो योर के बाद कोई नाउन आना चाहिए जो कि यहां पर सेंटेंस में नहीं आ रहा है, इसलिए योर्स इज द राइट आंसर। तो एक क्वेश्चन मैंने प्रोनाउन में से लिया है आपके लिए, जानने के लिए कि आप इसका आंसर क्या करते हैं। सो हमारे इस तरह के कुछ क्वेश्चन करने से आप डिस्टर्ब होते हैं, वी आर ट्राइंग टू बोल्स्टर योर कॉन्फिडेंस। ओके एंड नाउ इट्स क्वेश्चन नंबर 2। डबल फिलर का है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल पता लगाना है आपको। द डैश ऑफ द मिडिल स्कूल इज अ वुमन ऑफ डैश एंड ये रही फॉर ऑप्शंस। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो गाइस द करेक्ट आंसर इज सी। एक प्रिंसिपल होते हैं प्रधानाचार्य और एक प्रिंसिपल का मीनिंग है सिद्धांत। I am a man of principle. And now it's question number 3. The information and communication technology has dash. Each and employs very highly paid technocrats. And ye rahi aapki 4 options. And your time starts now. जी हां, द करेक्ट आंसर इज कम ऑफ। वैसे कम ऑफ का मीनिंग होता है मैच्योर होना, बालिग होना। इंसान भी बालिग होता है और टेक्नोलॉजी भी तो बालिग होती है, यानी कि कम ऑफ एज, मैच्योर होना, कम ऑफ। ये एक फ्रेजल वर्ब है, आप कह सकते हैं एक फ्रेज है कम ऑफ। तो आपको पूरी मेहनत करनी है अपने फ्रेजल वर्ब पर भी और इडियम्स एंड फ्रेजेस पर भी। एंड नाउ द क्वेश्चन फ्रॉम वोकैबुलरी and I'm going to ask you the synonym of vivacious. Come on, ye rahi aapki 4 options and your time starts now. Ji haan, the correct answer is jaunty. Kyunki vivacious ka meaning hota hai happy और चार ऑप्शन में देखें तो जिंदा दिल, जॉन्टी खुश मिजाज, जॉन्टी हमने आपको वोकैबुलरी के सेशंस में पिक्चर के थ्रू याद कराया था। याद कीजिए जॉन्टी रोड्स बड़ा जॉन्टी है ऐसे करके। अगर अभी तक आपने हमारा वोकैबुलरी का सेशन नहीं किया है गाइस, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी ऐप का डिटेल दिया हुआ है, आप उसे देखिएगा और पिक्चर के थ्रू बड़े आराम से कर पाएंगे। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर सिनोनिम्स अगेन। So I'm going to ask the synonym of credible. भाई आज का मुझे लग रहा है सबसे इजी क्वेश्चन होना चाहिए और ये रही आपकी 4 ऑप्शंस एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जी हां, द करेक्ट आंसर इज बी, बिलीवेबल, विश्वसनीय, क्रेडिबल। इजी था जी हां। अगर हमारी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है तो हमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहिए। बेसिक्स के लिए हमारे ग्रामर वाले टॉपिक्स आप जरूर करें, जिसमें हमने गोल्डन रूल्स में बड़े आराम से छोटा छोटा करके आपको छोटे छोटे पॉइंट्स को डिटेल में समझाया है, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। अगर हमारी वोकैबुलरी कमजोर लग रही है तो हमारी ऐप में वोकैबुलरी के सेशंस दिए हुए हैं, सिल्वर पैकेज है, गोल्ड पैकेज है, प्राइम है, उसे जरूर करिएगा, क्योंकि जन्म भगवान ने एक बार दे दिया है, बस इंग्लिश इंडिया में आए हैं तो पॉलिश करनी पड़ेगी, है ना। ये रहा अगला क्वेश्चन फॉर एंटोनिम्स। सो
I'm going to ask you the antonym of sapal. So guys, I'm giving you four options and your time starts now. So the correct answer is C, rigid. Supple क्या होता है? Flexible. Rigid, जो change ना होना चाहिए, है ना? तो this is rigid, not equal to supple. एक चीज और आपको मैं याद दिला रहा हूं, जब भी आपसे एग्जाम में एंटोनिम का क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक या दो एग्जामिनर क्या करता है, जानकर उसके सिनोनिम्स डाल देता है ताकि आप ढूंढते ढूंढते कहीं सिनोनिम पे टिक ना कर दें, है ना? इस गलती से आपको बचना होगा. एंड नाउ हमने एंटोनिम भी किया, सिनोनिम भी किया, ग्रामर भी किया, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं. ये रहा क्वेश्चन नंबर 7. थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको यहां पर. स्टूडेंट पार्किंग शुड बी डैश, स्टूडेंट शुड नॉट बी चार्ज टू बाय पार्किंग स्टिकर्स. एंड ये रही आपकी फॉर ऑप्शंस. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड द करेक्ट आंसर इज बी, फ्री. भाई फ्री होनी चाहिए ना, ताकि बच्चों को उस पर कुछ खर्चा ना करना पड़े. कॉस्टली तो ऑपोजिट हो जाएगा, फाइन का मीनिंग हो जाएगा, उन पे फाइन होना चाहिए. क्यों होना चाहिए? फ्री होनी चाहिए भाई. और चीप, यहां थोड़ी सी हेजिटेशन हुई होगी कि चीप तो नहीं होनी चाहिए, बट हम कह रहे जी उनसे कुछ भी चार्ज नहीं किया जाना चाहिए, तो फ्री इज द करेक्ट आंसर. अगर आपकी इस क्वेश्चन में गलती हुई है तो नोट कर देना. ओके गाइस, अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में जरूर पूछिएगा, हम ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चन का आंसर करने के लिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 जो मैं आपसे पूछने वाला हूं, ये किस तरह की एरर है ये तो आप खुद ही पता लगाइए, हम डिस्कस पूरा करेंगे मगर. और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8. इफ यू हैव रोजेस ग्रोइंग इन योर गार्डन, यू कैन मेक अ लवली डैश ऑफ फ्लावर्स एट होम. एंड ये रही आपकी ऑप्शंस. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. जी हां, हम आपसे पूछ रहे थे बुके की स्पेलिंग. डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट. बुके, टी साइलेंट, इसे बुके बोलते हैं, बुकेट नहीं बोलते. ओके एंड नाउ इट्स क्वेश्चन नंबर 9. सो टाइम फॉर इडियम्स एंड फ्रेजेस. ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से पढ़िए. टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, ये इडियम है, पूरा सेंटेंस आपने देख लिया है. और ये रही आपकी फॉर ऑप्शंस. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. जी हां, एंड द करेक्ट आंसर इज सी, फेस द प्रॉब्लम बोल्डली, बहादुरी के साथ किसी प्रॉब्लम का सामना करना. टेक द बुल बाय हॉर्न, हॉर्न क्या होता है? सींग, बुल के हॉर्न्स, यानी कि सींग पकड़ के उससे पंगा लेना, यानी कि बोल्डली किसी भी प्रॉब्लम का ब्रेवली फेस करना. एंड गाइस इट्स लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. और जैसे आप क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देंगे, आपको बताना आपको क्या करना है, बिना हेजिटेशन के, शर्माना मत, कम स्कोर है कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाएगा. आपको नीचे कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताना है. अगर आप इस सेशन को, जो लोग लेट देख रहे हैं, जिन्होंने आज की डेट में ना देख के आगे देखा है, 5 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, मेरी आपसे गुजारिश है आप जरूर जरूर और जरूर कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं. कोई नहीं देखेगा, आपको तो पता चलेगा, ठीक है? 50 साल बाद फिर चेक कर रहे हैं हमारा स्कोर क्या था. ओके, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में वन वर्ड के लिए पूछा गया है, आस्किंग फॉर एडिशनल ट्रूप्स ऑफ सोल्जर्स, एंड दीज आर द फोर ऑप्शंस. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. जी हां, द करेक्ट आंसर इज रिइंफोर्समेंट. फाइन. सो गाइस, आपको हमारा क्विज टाइम कैसा लगा, मजा आया या नहीं आया, कमेंट में जरूर लिखिए. बट पहले मुझे अपना स्कोर बताइए, आपका स्कोर क्या हुआ. तो हर रोज रात को 9 बजे हम आपके लिए लेकर आते हैं क्विज टाइम, जिसमें से हमारा मकसद है आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करना और उसे बहुत ज्यादा पॉलिश करना. अगर आप बोलेंगे मुझे इंग्लिश आती है, ये तो मेरे लिए बहुत इजी था, तो अच्छी बात है, आप अपनी इंग्लिश को और पॉलिश करिए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारा क्विज थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है. ओके, तो डोंट मिस इट. और अगर पेरेंट्स देख रहे हैं इस क्विज को,
तो आपके बच्चों के लिए ये दिव्यास्त्र साबित होने वाला है। तो आपको सिर्फ सफलता के पीछे भागना है और इसके लिए हमेशा याद रखेंगे, सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से कराती है और असफलता तुम्हें दुनिया का परिचय कराती है। तो फेलियर होना भी गलत नहीं है, परंतु उससे सीख के आगे बढ़ना भी जरूरी है। तो अभी के लिए इतना ही। होप यू एंजॉयड आवर सेशन एंड नाउ वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ क्विज टाइम। टिल देन गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर।